हेलो दोस्तों, दोस्तों सभी लोग कैसे हो। आज पहली बार अपने चैनल पर आप लोगों के लिए एक धमाकेदार वीडियो लाया हूँ। ये वीडियो खास उन लोगों के लिए जो माइनक्राफ्ट पीई खेलता है, यानी कि पॉकेट एडिशन। आप लोगों के लिए एक ऐसा शेडर लाया हूँ जो आपकी माइनक्राफ्ट को बहुत अच्छा लुक दे देगा, बहुत बढ़िया कर देगा। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये जो शेडर है उसका नाम हीरा, तो उसकी जो डाउनलोड की जो लिंक है वो मैंने मीडिया फायर की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहीं से इजिली से डाउनलोड कर सकते हो। तो उसको लगाना कैसे मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। वैसे तो सबको पता होता है लेकिन मैं फिर भी बता देना। सिंपली आपको फाइल एक्सपोर्ट ओपन करना है, जहां पे भी आपने इसको डाउनलोड किया है वो फोल्डर ओपन करना है। फिर आपको कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, ठीक है। ये फाइल जिप में होगा, आपको इसको जिप से बाहर निकालना है। यह सैमसंग का अपना है तो मैं इसको यहीं पे एक्सट्रैक्ट करूंगा। अगर आपके पास है तो आप कर लो, नहीं तो कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लो गूगल प्ले से, तो वहीं पे आपको उसको जिप से निकाल सकते हो। उसको जिप से निकालने के बाद वो जो फोल्डर है उसको कॉपी करके यहाँ पे लिखा होगा गेम्स, ठीक है। गेम्स पे जाना है, यहाँ पे जाना है मोजंग। उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा होगा रिजोर्स पे, सिंपली आपको यहीं पे पेस्ट कर देना है जहाँ पे मैंने ये किया है, ठीक है। और कुछ भी नहीं कर रहा है, मेरी जो गेम है माइनक्राफ्ट की इसको ओपन करूँगा, यानी कि इसको प्ले करूँगा। तो दोस्तों मेरी गेम प्ले हो चुकी है, तो सिंपली आपको सेटिंग में जाना है पहले, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन देखे, यहाँ पे लिखा होगा ग्लोबल रिसोर्स, तो यहाँ पे आपको जाना है। तो यहाँ पे लिखा होगा माई पैक्स, ठीक है। माई पैक्स में यहाँ पे आता है तो मैंने इसको ऑलरेडी एक्टिव कर लिया, तो यहाँ पे आता है आपको यहाँ से उसको एक्टिव करना है। एक्टिव करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया, ठीक है ये। उसके बाद हम बैक जाएंगे, हम अपना मैप को प्ले करेंगे। ये हमारा मैप बना हुआ है पहले से, तो उसको ओपन करेंगे। तो उसके बाद देखेंगे कि हमारा शेडर एक्टिव हुआ कि नहीं, और अगर एक्टिव हुआ तो वो कैसा दिखता है। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हो, तो हमारा जो शेडर है वो एक्टिव हो चुका है और काफ़ी ओपी दिख रहा है। सनशाइन देखो, सन बिल्कुल सर्किल वाला है और स्काई कुछ क्लाउड्स है, और सनशाइन देखो, सनशेड, सन की लाइटिंग काफ़ी ओपी दिख रही है। और यहाँ से थोड़ा आगे देखें तो हमारा जो पानी वो बिल्कुल क्लियर है, मतलब बिल्कुल क्रिस्टल जैसा, लेकिन काफ़ी ओपी दिख रहा है, मतलब कि बहुत अच्छा दिख रहा है, सोच से भी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। और यहाँ से देख सकते हो ये भी हमारे, ये जो सकते हो हमारे ग्रास जो है वो मूवमेंट में, और हमारे ट्री के पत्ते शत्ते वो भी हिल रहा है, मतलब सब कुछ हिल रहा है, काफ़ी ओपी दिख रहा है और मज़ेदार है यार। बहुत ही स्मूथी है, कोई लेगी शेगी नहीं है, मतलब कि आपकी जो लो डिवाइस में भी चल जाएगा। मेरा जो डिवाइस है वो मीडियम में, ये जो शेडर है वो मीडियम सपोर्टेड है, तो मेरा जो डिवाइस है वो भी मीडियम सपोर्ट है, तो इसमें चल जाएगा, लो डिवाइस में भी चल जाएगा। और रही बात हाई डिवाइस की, वो उसमें तो और भी ज़्यादा बेटर चलेगा, ठीक है। तो ये शेडर काफ़ी ओपी है, मतलब कि बहुत ही बढ़िया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये शेडर कैसा लगा। तो चलिए और थोड़ा बहुत देखते हैं कि हमारे जो कैफ्स में यहाँ पे पहले से लाइटिंग लगा के रखी है, और कैफ्स में जो हमारी टॉर्च की लाइटिंग भी काफ़ी बढ़िया आ रही है, कसम से बहुत अच्छा लग रहा है। और गेम भी काफ़ी स्मूथ चल रही है, कोई भी लेगी शेगी नहीं है, तो आपकी भी अच्छी चलेगी, उम्मीद होगी तो आपकी भी अच्छी चलेगी। तो हमारा कैफ भी काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, लाइक RTX। तो यार माइनक्राफ्ट में भी ऐसे ऐसे शेडर आ चुके हैं, क्या बताऊँ। तो मुझे ये शेडर काफ़ी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये सिंपल सा है, छोटा सा है और काफ़ी अच्छा चल रहा है, मतलब कि बहुत स्मूथ स्मूथ भी है। तो ऐसा करते हैं हम वेदर को चेंज करते हैं, मतलब कि रेनी वेदर लगाते हैं, देखते हैं इसमें इस शेडर में रेनी वेदर कैसा लगता है। तो दोस्तों मैंने रेनी वेदर भी लगा लिया है, और आहिस्ता आहिस्ता डार्क होने लगा है क्योंकि क्लाउड्स आ गए हैं, बारिश भी होने लगी है, और उसमें भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, मतलब रेनी वेदर में भी बहुत अच्छा दिख रहा है। तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, थोड़ा हल्का फुल्का डार्क है, लेकिन फिर भी अच्छा है। हमारे ज़ॉम्बी बाहर आ चुके हैं, मतलब इसी खुशी में, और काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। तो चलिए ऐसा करते हैं कि अब रेन को बंद कर देते हैं, अब नाइट का जो व्यू है वो देखते हैं कि हमारा जो शेडर वो नाइट में कैसा दिखता है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने मिडनाइट लगा लिया है, और मिडनाइट भी यार काफ़ी मज़ेदार दिख रहा है यार। मैंने सोचा भी नहीं था कि इस शेडर में इतना अच्छा दिखेगा। मून की लाइटिंग भी काफ़ी अच्छी दिख रही है, मतलब ज़्यादा डार्क भी नहीं है, और मतलब नाइट के हिसाब से अच्छे। वैसे मैंने इसकी माइनक्राफ्ट की जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी बहुत बढ़ाई हुई है, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ओ ये भाई साहब, ये देखो इसका, ओ भाई मून देखो, मून भी बिल्कुल सर्किल वाला ही है, और स्टार्स वगैरह, और नाइट का व्यू बहुत काफ़ी अच्छा दिख रहा है। वो पहाड़ी तक, वो पहाड़ी की तरफ देखो यार, काफ़ी कितना खूबसूरत दिख रहा है यार पहाड़ी की तरफ, मतलब स्काई ब्लू स्काई, स्टार्स, मून और बर्फ़ वाले पहाड़ी, काफ़ी ओपी दिख रहा है। तो यार ये शेडर तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी। तो नाइट के हिसाब से ये शेडर काफ़ी मुझे अच्छा लगा, ये आप देख सकते हो कि कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये शेडर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये शेडर कैसा लगा। तो मुझे ये भी बताना कि हमारी आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ये भी बताना कि आपको इस तरह की और वीडियो चाहिए कि नहीं।
तो अभी हमें जाने का वक्त हो गया क्योंकि जोम्बी शॉपी का आने का वक्त हो गया। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये हमारा ये शेटर कैसा लगा। अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर बताना और मुझे ये भी बताना कि आपको इस तरह की और वीडियो चाहिए कि नहीं। तो मैं आप लोगों के लिए और भी इस तरह की वीडियो लाता रहूँगा। तो अभी हमारा जाने का वक्त हो गया, तब तक के लिए बाय बाय।